कोरोना वायरस के हवाले से दोस्त पूछते हैं कि मौलाना साहब ने कहा था कि कोरोना वायरस जो ख़त्म हो जाएगा है तो जनाब बारह मई के बाद सुरैया सितारा जब निकल जाएगा तो उसके बाद तो देखिए कोरोना वायरस तो ख़त्म नहीं हुआ तो ये उन्होंने सवाल किया तो किया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया तो जवाब इसका यह कि पहली बात तो यह है कि मैंने जो बताया था ये नबी करीम अलैहि वसल्लम की सही और हसन हदीस आपकी सही और हसन हदीस जो है वो उसके जरिए से आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाया था नबी करीम सल्लल्लाहु सल्ला वसलम इशाद फरमाया था कि सुरैया सितारा जब तलु हो जाता है तलु होता है जिस सुबह को तो अल्लाह तबारक वाल दुनिया से जो है बहुत से अल्फाज हैं मीनकुलिया अली बल्दिन भी है और दुनिया से रूह ज़मीन से भी फिर अर्ज़ भी है तो दुनिया से अल्लाह तबारक वाल अगर कोई वबा फैली हुई होती है उस वबा को अल्लाह तबारक वाल रूफ़ियत या तो उठा लिया जाता है अव खफत या उसका ज़ोर टूट जाता है अब ये दोफा सुनाए उठा लिया जाता है बिल्कुल या उस वबा को या उसका ज़ोर टूट जाता है तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बयान किया ये मेरी अपनी कोई बात नहीं है और हमारा ये ईमान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत हो नहीं सकती आपकी बात बिल्कुल सच बरहक है क्योंकि आप जो बोलते हैं व अनिल हवा इन वाहू यू जो आप इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के वही से इरशाद फरमाते हैं लिहाजा आपने जो फरमाया अल्लाह की यकीन है वही से इशाद फरमाया कि ये सैयद सितारे के बाद जो है वो वबाएँ जो दुनिया से ख़त्म हो जाती हैं या जो उनका जोर टूट जाता है तो लिहाजा इस अदीज़ की रोशनी में हम बिल्कुल इस बात का यकीन और ईमान रखते हैं कि सैय सितारे के उस के बाद जो है अब वो तलु कब होता है या माहरीन की राय तो बारह मई की है हो सकता है बाज माहन की राय जो सत्रह मई हो बाज ने चौबीस मई तक कहा तो बाद में जून का महीना का जून के महीने में तो दुनिया के मुखल खत्ों के, के, के अंदर के जैसे मुखल ख़तों के अंदर सूर्य मुख्त अवात में तलु होता है हो सकता है सितारा भी मुख्त्य अवात में तुलू होता हो जैसे चाँद तो हो सकता है बारह मई के बाद की कोई भी डेट हो सकती है लेकिन जब भी तुलू होगा तो दुनिया के अंदर से वबा बिल्कुल ही ख़त्म कर दी जाती है और खफफ या उसका ज़ोर ख़त्म हो जाता है खफ़ीव हो जाता है ये फरमाया और ये बात हमारा ईमान यकीन है कि बिल्कुल दुरुस्त है हम तो इस बात का यकीन रखते हैं कि बिल्कुल ये ख़त्म हो गई है मैं तो ख़ास तौर पर ऐति तौर पर अलहमद मैं इस बात पर अभी भी कायम हूँ कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है दुनिया से करोना वायरस की, की बीमारी बाकी अभी जो नज़र आ रही है ये आर्टिफिशल है ये पोलिटिकल है क्योंकि सियासी मकासद हासिल करने के लिए बहुत सी क़ुतों ने अभी तक इस बात को फैला रखा है ख़ास तौर पर एशियाई मुल्कों के अंदर जो है इन चीज़ों को ज़्यादा प्रोपिगंडा करके फैला रखा है और जनाब वो करोना वायरस करोना वायरस करके अपने सियासी मफादात हासिल कर रहे हैं मुआशी मफादात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वरना दुनिया में नबी के फरमान के मुताबिक दुनिया के अंदर ये बीमारी नहीं है या फरमाया कि कम उसका ज़ोर टूट जाएगा और जोर टूटना तो आपको और मुझे सबको नज़र आ रहा है जोर टूट गया वो इटली जहां लाखों लाखों लोग रोज़ मरते थे वो इटली के अंदर ज़ीरो परसेंट पर मामला आ गया है और कितने ममालिक लिस्ट जो है गूगल ने छाप दी है कि सारे ज़ीरो पे आ गए दुनिया के अंदर कोरोना वायरस के हवाले से कुछ भी नहीं रहा कितने मोमालिक खुद अमरीका के अंदर आप देख लें आप ये न्यूयॉर्क जो बिल्कुल पीक पे जा रहा था आज भी ये जो है इसके लॉकडाउन खुल रहे हैं फे फेज़ फोर के अंदर जा रहा है छः मई के बाद जो है वो कल के बाद जो है वो फेज थ्री हो जाएगा उसका ओपन उसका फेज़ फोर तक निकल रहा है तो मालूम है कि जोर टूटा ना तो नबी की बात तो सच हो गई और स्टेटों के अंदर जो उब, उबरता नजर आ रहा है मैं तो उसको अभी भी पॉलिटिकल कहता हूँ ये सब पॉलिटिकल एजेंडे पूरे करने के लिए क्योंकि आपको पता अमेरिका के अंदर ख़ास तौर पे अभी इलेक्शन होने वाले हैं लिहाजा मौजूदा हुकूमत को यह हार्ड टाइम देने के लिए उसका गिराफ कम करने के लिए ये मीडिया जो है उसके ख़िलाफ़ काम कर रहा है और मुखालिफ सियासी क़वतें इन चीज़ों को फैला रही हैं लिहाजा जो है हम ये बिलीव नहीं करते इस वक्त दुनिया के अंदर ख़ुद पाकिस्तान के अंदर भी कोरोना वायरस के हवाले से जो कुछ हो रहा है ये सब जो आर्टिफिशियल है अब जो वो है वो बैरूनी कवते जो है वो अपने मफादत हासिल करने के लिए ये सब इशू उठाती हैं वरना जनवरली अब जो है इसका जो इसका कोई वजूद नहीं है अगर वजूद है तो उसका जोर टूट चुका है जैसे खुद नबी पाकलीस ने फरमाया लिहाजा इसलिए अहले इस्लाम को तो इस किस्म का सवाल करना भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरी बात नहीं है मेरे नबी की बात है और नबी की बात वो बरहक है तो ये कहा जाए कि नबी की बात बरहक है अभी जो नज़र आ रहा है उसके ख़िलाफ़ जो अगर नज़र आ रहा है तो ये सब सियासी हथगंडे हैं ये सारे जो आर्टिफिशियल हथकंडे हैं मुशी मफादात इसके पीछे हैं पर नबी की जो बात है बिल्कुल बरहक है कि वो बिलकुलिया ख़त्म हो गई या उसका ज़ोर टूट गया है और ज़ोर टूटा तो आप सबको नज़र आता है लेकिन ईमान की आँख से देखें तो बिल्कुल या भी आपको इन आपको कहीं नज़र नहीं आएगी ये सब जो, जो है इंसान अपने सियासी मफादात के तहत ये सब हरकत कर रहा है इसलिए हकीकत ये है क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर इसको हमने बिल्कुल ही ख़त्म होने की बात कर दी या कह दिया कि ज़ोर इसका टूट चुका है ख़त्म हो गया तो फिर आप उसके मुकाबले में जो वैक्सीन वैक्सीन जो ताकतें बनाना चाहती हैं तो उनकी वैक्सीन को और ख़रीदेगा डिमांड उसकी कैसे बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई के अंदर प्रॉफिट होगा ना तो ये डिमांड और सप्लाई की सारी गेम है जो कैपिटलिज्म का उसूल है कि इस चीज़ की डिमांड बढ़ाने के लिए जब तक कि इस जो तौर पर इसको जिंदा नहीं रखा जाएगा कोरोना वायरस की इस प्रोपेगंडे को उस वक़्त तक कल को आपकी वैक्सीन की कीमत नहीं लगेगी इसलिए आप मुझसे ज़्यादा ऐसी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं मैं तो एक मौलवी आदमी हूँ जो मेरी समझ में आता है मैंने आपको कहा लेकिन हकीकत यही है इस वजह से ये सारी चीज़ें वरना अलहमद मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बकौल या तो ये दुनिया के अंदर वबा ख़त्म हो चुकी है या ये कि इसका जोर टूट चुका है इसलिए इसके अलावा कोई तीसरी बात नहीं क्योंकि नबी की बात बिल्कुल बरहक़ और सच है और हमें जो है बसर चश्म उस पर पूरा पूरा ईमान है